गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। जिस तरीके से हम मनोविज्ञान के जो पार्ट है उसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक विकास के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके सी टेट रीट यानी कि फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में ही ये जो टॉपिक है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के नाम से ये टॉपिक है। इससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित हमसे जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में पूछी जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसे हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ जिसमें हम कहते हैं, ये हमारी एक सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये उसी के लिए है कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ होगा, जो हम कहते हैं कि हमारा शारीरिक विकास जो विभिन्न क्रियाओं में होता है, उसके साथ साथ हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमारी इच्छा जागृत होगी, या हम कहें कि जो कार्य हम करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो ब्रेन होता है वो सबसे हमारा कार्य करता है किसी चीज को, या हम कहें कि हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हमारे मस्तिष्क की अहम भूमिका होती है। तो उसे मानसिक स्वास्थ्य के मेंटल हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी के नाम से ये टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है, सी टैट के लिए भी महत्वपूर्ण है और रिट के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे मेंटल हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के जो प्रतिपादक थे, प्रतिपादक इसके प्रतिपादक थे सी डब्ल्यू बियर्स। ये इसके बियर्स इसके प्रतिपादक थे। इन्होंने 1908 में इसका प्रतिपादन किया था। बियर्स अमेरिका के रहने वाले थे और ये कहा जाता है कि अमेरिका में ही ये एक आंदोलन चलाया गया था इस स्वास्थ्य संबंधी, जिसका नाम था डोरोथिया डिक्स। ये एक हमारे आंदोलन का नाम है, इससे संबंधित मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अमेरिका में ये आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन क्यों चलाया था, क्योंकि ये किससे प्रेरित हुए थे, जो बियर्स थे ये हमारे इनके किससे प्रेरित थे, ये एडोल्फ मेयर से इनसे ये प्रेरित थे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये हमसे इससे संबंधित पूछा जाता है कि मानसिक विकास स्वास्थ्य के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि सी डब्ल्यू बियर्स। ये प्रतिपादक इन्होंने जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिपादक थे सी डी बियर्स, इन्होंने इसकी स्थापना 1908 में थी, रहने वाले ये अमेरिका के थे और साथ में अमेरिका की ही ये देन थी, क्या हमारी मेंटल हेल्थ का, क्योंकि इन्होंने जो हमारे सी डब्ल्यू बियर्स थे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी इसी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। बुक का नाम था ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, ये इनकी बुक का पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में संपूर्ण वर्णन इन्होंने किया था, यानी कि जो इनकी पुस्तक मार्केट में आई थी वो पुस्तक इस नाम से आई थी, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, ये इनकी बुक्स का नाम था। और ये किससे प्रेरित हुए थे, एडोल्फ मेयर से, ये इनके कहते हैं इनके कार्यों से प्रभावित थे, इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने डोरोथिया डिक्स नाम का एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अमेरिका में क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था इन्होंने। ये इसी आंदोलन की देन थी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, जो ये कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो प्रतिपादक इन्होंने किया था, जिसकी स्थापना की थी, वो इस आंदोलन की देन थी। साथ में ये कहा जाता है कि भारत में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो कार्य किया था एवी शाह ने पहले सबसे, वो एवी शाह ने किया था और कब किया था, 1947 में। हमने देखा कि अमेरिका में तो इसका प्रतिपादन कब हो गया था, 1908 में, लेकिन हमारे भारत में कब हुआ, 1947 में। फिर है हमारी इसकी परिभाषाएं, जो परिभाषाएं हमारी होती हैं वो प्रत्येक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, सभी की परिभाषाओं की हमें पूछा जाता है। अब यहाँ हमारी परिभाषा है, सबसे पहले जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना
व संरक्षण करना, यानी कि सभी वैज्ञानिक इसको सभी अलग मानते हैं, अपने अपने विचार सबके अलग होते हैं और वो अपनी परिभाषाओं में अपने विचारों का समावेश करते हैं। तो जेम्स ग्रेवर ने यही चीज कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना एवं उसे संरक्षित करना, यानी किस तरीके से हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ा सकते हैं या हम कहें कि स्वस्थ रह सकते हैं। कहते ना कि मेंटल हेल्थ, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए इन्होंने नई नई खोज की थी। और ये कहते हैं कि इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, मेंटल हेल्थ को मानसिक स्वास्थ्य सही रखने के लिए उससे संबंधित हमें नियमों की खोज करनी चाहिए, साथ में उसको संरक्षित प्रदान करनी चाहिए। किस तरीके से हम उसे संरक्षित कर सकते हैं या उसे हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये इन्होंने जेम्स ग्रेवर ने कहा था। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी हेल्थ फील्ड। हेल्थ फील्ड ने का मानना था कि जो हमारा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है। इनका कहना था कि मानसिक स्वास्थ्य वो हमारा व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी की सामंजस्यपूर्ण और संतुलित क्रिया की अवस्था को व्यक्त करता है। हमने देखा है हमारा जो व्यक्तित्व होता है, जब हम हमारे व्यक्तित्व की जो पहचान करवाता है वो कौन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा मानसिक। जितने हम हमारे मानसिक रूप से हम स्वस्थ होंगे वैसा ही हमारा प्रभावशाली क्या होगा, हमारा व्यक्तित्व होगा। हम क्या करेंगे उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। हमने देखा है कि एक तो स्वस्थ जैसे कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जितने अच्छे से कार्य कर सकता है, क्या जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो उस कार्य को कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें कहा गया है कि व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण संतुलित क्रिया को क्रियावस्था को व्यक्त करता है वो हमारी पर्सनैलिटी को। हम कह सकते हैं हमारा ब्रेन यानी कि हमारा जो मानसिक लेवल है वो हमारी इंटेलिजेंसी हमें बता देता है कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। तो क्यों होता है, क्योंकि मानसिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसकी इंटेलिजेंसी यही चीज हमें बता देती है कि वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। तो ये है हमारा व्यक्तित्व की सामंजस्यपूर्ण व संतुलित क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है। फिर आती है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य का यानी मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानव संबंधों व कल्याण से है। इन्होंने इस चीज को माना है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो आपस में जो मान जो संबंध है एक व्यक्ति दूसरे से अपना संबंध बहुत अच्छे से निभा सकेगा, साथ में उसके अंदर एक कल्याण यानी दूसरों के हित की भावना भी उसके अंदर होगी। वो इस चीज को मेंटल हेल्थ मानते हैं कि जो संबंध होते हैं इसी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग हम अपने संबंध स्थापित करते हैं। हमने देखा है कि अगर मेंटली कोई व्यक्ति सही नहीं रहता है तो क्यों हम उससे दूर रहते हैं या वो कैसे एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ये उसी चीज में बताएगी। मानव संबंध भी हमारी मेंटल हेल्थ पर निर्भर करते हैं। जैसा हमारा मानसिक होगा हमारे सोचने विचारने की क्षमता होगी हम वैसा ही संबंध रखेंगे, यानी कि हमें हमारे मेंटल हेल्थ से जो हमें रहना है वो कैसे रहना है, हमें कहते हैं कि मानसिक तौर पर हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हमें किसी चीज की ज्यादा गहराई से सोचना डिप्रेशन में जाना तो ये चीजें हो जाती हैं अगर हम किसी चीज को गलत समझते हैं। तो स्वास्थ्य का संबंध मानव संबंध व कल्याण से है, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। फिर है स्किनर की जो डेफिनेशन है उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से है। इनका मानना है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो हमारे मानव संबंधों का विकास करती है, अर्थात हमें आगे बढ़ाती है। कहते हैं कि एक जो हम रिश्ता जोड़ते हैं या संबंध बनाते हैं उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, एक व्यक्ति से संबंध जोड़ के हम दूसरे व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं, तो ये हमें हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमें सिखाती है। फिर है हमारा इसमें यही चीज बताइए, संबंध जो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध समग्र मानव संबंधों के विकास से है। फ्रियोसन ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम का सफलता से घनिष्ठ संबंध है। ये इन्होंने किसने कहा है, फ्रियोसन ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना, यानी कि जो हम सीखते मानते हैं ना कि हम जितना स्वस्थ होंगे जितने एक्टिव होंगे तभी हम उस चीज को
और सीखेंगे तो हम सफलता की ओर जाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य व अधिगम का सफलता से घनिष्ठ संबंध है। हम क्यों कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही आगे प्रोग्रेस करता है, तो उसमें हमारी अहम भूमिका किसकी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ की भी होती है। कि किस तरीके से जब तक हम मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, उस कार्य को ना तो हम कार्य कर सकते हैं या हमारे अंदर उस कार्य करने की क्षमता जागृत होगी, ना ही हम उस पे आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर हमें सफलता की ओर जाना है तो सफलता की ओर जाने के लिए हमें मेंटली स्वस्थ रहना है। तो इसीलिए ये हमारे मनोविज्ञान में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जोड़ा है, और इस टॉपिक को जो पॉइंट टू पॉइंट ये टॉपिक है हमारा, ये हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। और अगर हम जीवन में भी इसे देखें तो मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा मस्तिष्क हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते, हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सकते जो हम सोचते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये बहुत महत्वपूर्ण मेंटल हेल्थ, जो मैंने बताया कि मानसिक विकास स्वास्थ्य के जो प्रतिपादक थे वो CW Beers थे। इन्होंने 1908 में और कहा अमेरिका के ये रहने वाले थे, और अमेरिका में इसका सबसे पहले प्रतिपादन हुआ। इनकी पुस्तक थी ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, ये पुस्तक इन्होंने इसी मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखी थी। ए माइंड बुक का नाम था हमारा ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। प्रेरणा ली थी इन्होंने एडोल्फ मेयर से, और जो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था अमेरिका में उस आंदोलन का नाम था डोरोथिया डिक्स। ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इन्होंने इसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है या इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आने चाहिए, इन चीजों को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था इसे आगे बढ़ाने के लिए। किस तरीके से हम कहते हैं ना कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सफलता हासिल करेंगे। तो इसे एक आंदोलन के रूप में चलाया था इन्होंने मेंटल हेल्थ को, और इसका नाम दिया था इन्होंने डोरोथिया डिक्स। और भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य किया था एवी शाह ने किया था, कब किया था, 1947 में। और ये परिभाषाएं थी हमारी जेम्स ग्रेवर की, हेटफील्ड की, क्रो एंड क्रो की, स्किनर की और फ्रियोसन की, ये हमारी डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन भी हमारी महत्वपूर्ण है, और भी डेफिनेशन है लेकिन मैंने आपको यहाँ 5 डेफिनेशन करवाई है, ये डेफिनेशन आपकी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।